नमस्कार, ऐसे में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अनिल सागर जी, जो बहुजन समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और बहुत अच्छे पदों पर बीएसपी के अंदर कार्यरत रह चुके हैं और जहां कहीं भी जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज की बात करते हैं। अनिल सागर जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अनिल जी, एक बात बताइए कि 2019 के अंदर सभी लोग बोल रहे हैं बहुजन समाज की सरकार बनेगी, तो किस तरीके से बोल रहे हैं कि 2019 के अंदर बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी? कौन से एनालिसिस कर रहे हैं, कौन से गठजोड़ कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा नज़र डालें प्लीज। देखिए, हमें देखना पड़ेगा कि कौन लोग बोल रहे हैं इस बात को कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जी, आप ये देखिए पूरे देश के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो तमाम मनुवादी विचारधारा को छोड़ने के बाद जो दूसरी पार्टी है, वो सारी पार्टी बहन जी को समर्थन दे रही है। बहन जी को उन्होंने ऐसा नहीं एनालाइज किया है पूरा, उन्होंने देखा है कि नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट और नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर हम किसको प्रधानमंत्री प्रमोट कर सकते हैं, कैंडिडेट को प्रमोट कर सकते हैं, तो उसमें देखा तो राहुल गांधी भी जो है उसमें कहीं आसपास टिक नहीं पाए और बहुत सारे नेता थे वो टिक नहीं पाए, क्योंकि बहन जी बहुत सीनियर लीडर रहे हैं। इन सब में सबसे सीनियर लीडर जो हैं वो बहन जी हैं। तो सभी क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं, जो तमाम जो पार्टियाँ हैं मनुवादी पार्टियों से अलग हट के जो पार्टियाँ हैं, जो इस विचारधारा को मानती हैं, जो कॉन्सेप्ट को मानती हैं, वो सारी की सारी पार्टियाँ बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट कर रही हैं, देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रही हैं, तो वो सारी पार्टियाँ जो है सहयोग कर रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग जैसे बीजेपी ही खुद 42 पार्टियों के साथ 42 पार्टियों से अलायंस करके वो देश के अंदर वो प्रधानमंत्री बने 2014 के अंदर सत्ता में आए, तो हम लोग भी बहन जी भी अपने पैटर्न पे काम कर रही हैं। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं बहन जी, उन लोगों से बात कर रही हैं। अभी देख रहे हैं हाल ही में हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ था, जींद का जो चुनाव हुआ था जी, उसमें कुछ रिजल्ट आपको देखने में आया होगा आपको, तो उसमें कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए थे। बहन जी ने उस पर विचार किया, आज अब बहन जी ने उस पर बहुत अच्छा समय से पहले बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो इसका मतलब ये है कि भाई देखिए, बहन जी भी पूरी तरीके से तैयार हैं और हम लोगों की जो उपस्थिति है, हम लोगों का जो दायित्व बनता है, जैसे बहन जी का दायित्व तो बनता है, बहन जी जो अपने हिसाब से कर रही हैं, हमारा जो दायित्व बनता है हमें भी वो करना चाहिए। जैसे जो लोग जो इस देश के अंदर युवा हैं, क्योंकि जितने पद हैं पार्टी के अंदर उसके अलावा जो लोग जैसे मान लीजिए एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो मेरा उन लोगों से सिर्फ यही निवेदन है कि वो लोग समय की सीमा को देखें। समय का मतलब हिस्सा तो सबको, हिस्सेदारी सबको मिलेगी, पर आप लोग समय ये देखिए कि 2019 का जो चुनाव है उसके लिए समय बहुत कम रह चुका। जब बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश के अंदर बहुजन समाज की विचारधारा भी आगे बढ़ेगी। जब हम विचारधारा बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि जिनकी सत्ता होती है उन लोगों की विचारधारा ही बढ़ती है, तो इसलिए यहाँ जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं तो सबसे एक एक करके लोगों से मिल रहा हूँ, सब मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं सभी लोगों से यही बोल रहा हूँ, यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग, ये मौका है, बहुत अच्छा अवसर मिला है, गोल्डन चांस है कि तमाम पार्टियाँ, पूरे देश के लोग बहन कुमारी मायावती जी को सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। अनिल जी, एक बात बताइए, अगर 2019 के इलेक्शन में बहन कुमारी मायावती की सरकार आ जाती है, तो ऐसे जो 70 साल के अंदर कार्य नहीं हो पाए, वो कौन से कार्य हो जाएंगे जो बहन कुमारी मायावती के आने से हो पाएंगे पूरे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का मैनिफेस्टो ऐसा रहा कि अभी दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो और हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में अंतर है। हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के अंदर कोई भी मैनिफेस्टो ऐसा नहीं है। हम बहन जी करने पे विश्वास रखती हैं, हमारी विचारधारा करने विश्वास रखती है, कहने विश्वास नहीं रखती है। काम कैसे हैं, देखिए हमारा काम तो कुछ नहीं है, हमारा जो मेन उद्देश्य जो है इस देश के अंदर, जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था जो कायम है इस देश के अंदर, जिन लोगों को असल में हक मिलने चाहिए, जिन लोगों को असल में जो उत्पीड़न शोषण का जो शिकार है इस देश के अंदर, हमारा सबसे बड़ा काम यही मान सम्मान से चैन से जीने का जो सम्मान है, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद ही वो कायम हो पाएगा। उसके बाद जो बहन जी जो बोलती हैं, जो लोग ये नौकरियां देने का काम करते हैं, जो फ्री में जो राशन की बात करते हैं, मिड डे मील की बात करते हैं, तमाम जो लुभावने वादे की बात करते हैं, तो बहन जी ये कहती हैं कि भाई ये सारी चीज़ें उपलब्ध तो हो पाएंगी जब हमारे जेब में दाना होगा, हमारे जेब आर्थिक रूप से हम मजबूत होंगे, तो ऐसी सारी समस्याएं समाप्त होंगी। पर सबसे जो बड़ी जो मूल जड़ है वो इस देश के अंदर व्यवस्था है। जैसे हमारे जो समाज के लोग हैं, अभी हम जैसे मेट्रो सिटी से बाहर निकल के जाएं, दिल्ली एनसीआर से अलग हट के हम लोग पहुँचते हैं, मैंने खुद देखा है अपने समाज के लोगों को कि वहाँ पर जो इस देश के जो सत्ताधारी लोग हैं, जो इस देश में जो
मेक इन इंडिया की जो बात करते हैं, जो लोग इस देश के अंदर जो जिन लोगों ने ये कहा कि भाई मतलब व्यवस्था परिवर्तन की जो बात जो बोली इन लोगों ने, तो आप दिल्ली से बाहर निकल कर देखिए कि हमारे लोगों को ठीक से खाने तक को भी लाले हैं, हमारे लोगों को नौकरी रोज़गार की बात अलग है, हमारे लोगों के ऊपर शोषण उत्पीड़न जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाहे जैसे हमारे सामने घटना आई थी जब हम उत्तर प्रदेश में जब हम काम कर रहे थे, तो हमारे सामने घटना आई थी एक परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तो वहाँ पर उन लोगों ने जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे उन लोगों ने ये कहा कि अगर आप अपनी दूसरी बच्ची को बचाना चाहते हैं तो आपको यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ समझौता करना पड़ेगा। तो साथ ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी बातों पे किसी को गोली मार देना, घरों में आग लगा देना, छीना झपटी कर लेना, तो ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ये सारी चीज़ें पैदा जो होती हैं वो पैदा सोच से होती हैं, विचार से होती हैं, क्योंकि हम लोग कितने भी स्टैंडर्ड में आ जाएं हम लोग, पर लोगों की सोच यही होती है कि ये फलाना फलाना जाति के लोग हैं, फलाना फलाना वैसे विशेष के लोग हैं। तो इसलिए देश के अंदर अगर बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, समानता आएगी इस देश के अंदर, सभी जाति सभी धर्मों के लोगों को सम्मान मिलेगा, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी इस देश के लिए। हमारी चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।